Guys, this is Suman Sharma and you are watching Ravi's English classes. So guys, last video mein humne seekha what is phrase and what's the difference between phrase and clause. Ye dono cheez seekhi humne. Ek baar main revise karu kyunki phrase kya hota hai? Phrase is a group of words which give sense but not count. शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसमें अर्थ तो होता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं होता, वो होता है आपका फ्रेज। और क्लोज क्या होता है? क्लोज ऐसा समूह होता है शब्दों का जिसमें कंप्लीट सेंस होता है, वो एक कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है। उसमें फाइनाइट वर्ब होती है और एक सब्जेक्ट होता है, जबकि सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब दोनों ही नहीं होते हैं फ्रेज में, फ्रेज भी नहीं होते हैं। बाई चांस अगर एक्सेप्शनली होता भी है, कभी सब्जेक्ट होता तो वर्ब नहीं मिलेगा, वर्ब होता तो सब्जेक्ट मिलेगा। इसका मतलब क्योंकि वर्ब और सब्जेक्ट एक साथ हो तो फिर तो उसमें कंप्लीट सेंस ही मिल जाएगा, जैसे कि क्लोज में। तो ये डिफरेंस होता है क्लोज और फ्रेज में। तो गाइज आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेज। लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि फ्रेज होता क्या है। फ्रेज क्या होता है? शब्दों का समूह जो सेंस तो देता है बट कंप्लीट सेंस नहीं देता। आज हम सीखेंगे इसके टाइप्स क्या होते हैं। देखिए जैसे क्लॉजेस के टाइप्स देखे थे हमने, सेम इसमें होते हैं, ठीक है ना। इसके भी थ्री टाइप्स होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। जी हाँ, ये थ्री इसके टाइप्स होते हैं फ्रेजेस। ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से समझिए। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, ये क्लोज में भी थे, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। जिसको नहीं समझ में आया या नहीं आता हो वो मेरी लास्ट वीडियो देख के क्लोज करके जो है, ठीक है। इसमें है फ्रेज। अब देखिए नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। नाउन, एवरीबॉडी नोज व्हाट इज नाउन, जितने भी नेमिंग वर्ड है वो सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं, ठीक है ना। और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं नेमिंग वर्ड वो क्या होते हैं? नाउन होते हैं। अब एडजेक्टिव, इसको मैंने बहुत अच्छे से बताया था विद एग्जांपल कि एडजेक्टिव और एडवर्ब होता क्या है। एक बार मैं वापस से इसको यहाँ पे शॉर्ट में बता दूं कि एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। दोबारा इसके बता रहे, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन दोनों में, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। तो एडजेक्टिव तो केवल किसको मॉडिफाई करते हैं? नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, राम इज इंटेलिजेंट, तो हु इज इंटेलिजेंट? राम। इंटेलिजेंट किसको मॉडिफाई कर रहा है? राम को। और राम क्या है? नाउन, ठीक है। ऐसे अगर हम राम की जगह कहें ही इज इंटेलिजेंट तो ही क्या है? प्रोनाउन है। इंटेलिजेंट कौन है? ही है। तो जो इंटेलिजेंट वर्ड है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? ही को। तो इस तरह द वर्ड विच मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। इज इट क्लियर? ओनली एंड ओनली एडजेक्टिव मॉडिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। जबकि एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? सबसे पहले एडजेक्टिव को करता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी हमने लिया राम इज इंटेलिजेंट। ध्यान से देखिए, दोबारा इसलिए बताया कि बच्चों को यहां पर भी समझ में आ जाए। अब इंटेलिजेंट कौन? राम। तो राम इंटेलिजेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, क्योंकि इसने किसको मॉडिफाई किया? नाउन को। लेकिन कोई बोले राम इज वेरी इंटेलिजेंट, राम इज वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ वेरी क्या है? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट बहुत इंटेलिजेंट है। तो जो शब्द एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे वो क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब ना केवल एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है बल्कि जैसे ही शाउट्स लाउडली, लाउडली क्या करता है? चिल्लाता है। शाउट्स क्या है? वर्ब। ये वर्ब है और ये शब्द वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाला भी एडवर्ब कर रहा है। क्लियर? एडवर्ब ने एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया, एडवर्ब को, सॉरी वर्ब को मॉडिफाई किया। और अगर इससे पहले लगाते वेरी लाउडली तो वेरी भी क्या है? एडवर्ब। तो एडवर्ब स्वयं एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। In short, we can say that adjective modifies only and only noun and pronoun. जबकि जो adverb को वो modify करता है adjective को, verb को और दूसरे adverb को। Clear? ये होता है adverb और adjective में difference. तो हम यहाँ पर तीनों types सीखेंगे, noun, adjective and adverb phrase. आज हम सीखने जा रहे हैं what is noun?
नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होता है? फ्रेज सबने जान लिया, ठीक है। अब नाउन फ्रेज क्या होता है? तो अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। जो नाउन फ्रेज है वो शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो सेंटेंस में नाउन का काम करता है। शब्दों का समूह तो है लेकिन एक्ट कैसा कर रहा है सेंटेंस में? एज अ नाउन, ठीक है। एंड इट कैन फंक्शन एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। यह सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी फंक्शन करता हो दिखाई दे सकता है आपको और वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो ये है आपके नाउन फ्रेज। अब हम इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल से, दोज हॉर्सेस आर वेरी एक्सपेंसिव। देखिए हमने क्या सीखा कि इट कैन फंक्शन, इट किसके लिए? नाउन फ्रेज के लिए, एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में काम आते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे वर्ब, दिस इज वर्ब, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर है, आप ध्यान रखना, नाउन फ्रेज में एक हेड वर्ड होगा। क्या होगा? एक हेड वर्ड, मुख्य शब्द होगा जिसके बारे में बोला जाता है। जो बोला जा रहा है वो पूरा फ्रेज कहलाएगा, ठीक है। अब हेड वर्ड, इसका मतलब इसमें हेड वर्ड क्या है? हॉर्सेस। हॉर्स क्या है? नाउन है। अब ये दोज किसके लिए बोला जा रहा है? हॉर्स के लिए, क्लियर। तो ये हो गया आपका नाउन फ्रेज एज एन सब्जेक्ट, बिकॉज यहाँ ये किससे पहले है? वर्ब से पहले। बात किसकी जा रही है? हॉर्स की जा रही है। कैसे कि ये दोज भी किसके लिए आ रहे हैं? हॉर्सेस के लिए। तो इस ये दोज क्या आपके यहाँ पर? डिटरमिनर्स, ठीक है ना। यहाँ दोज, यहाँ क्या होता ही है? दोज क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स है। आपको कभी एडजेक्टिव मिलेंगे, कभी डिटर्मिनर्स मिलेंगे। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? फ्रेज बनाते हैं। लेकिन नाउन फ्रेज कब बनता है? जब यहाँ पर एक हेडवर्ड दिया हुआ, ये हेडवर्ड है, नाउन है हॉर्स, और दोज इसी को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए पूरा फ्रेज बन गया दोज हॉर्सेस। चूंकि ये वर्ब से पहले आ रहे हैं इसलिए ये हो गया, क्या हो गया? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, और ये हो गया आपके नाउन फ्रेज, क्लियर। सेकंड है, ग्रैंडमदर फाउंड द ओल्ड फैमिली एल्बम। फाइंड आउट कीजिए इसमें मेन वर्ब, मेन वर्ड या हेड वर्ड कौन सा है इसमें? द ओल्ड फैमिली एल्बम, जी हाँ, एल्बम। ये इसमें भाई एल्बम बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग समय के अलग अलग एल्बम होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स के हैं, किसके हैं? फैमिली। कैसा? ओल्ड। तो ये पूरा का पूरा इसको डिस्क्राइब कर रहा है, हेड वर्ड को, एल्बम को। तो ये भी बात किसके बारे में बोली जा रही है? एल्बम के बारे में। तो इस तरह से ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया आपका? एक नाउन फ्रेज बन गया, क्योंकि ये किसके बाद आया? आपके वर्ब के बाद में। वर्ब से पहले था तो एज अ सब्जेक्ट, वर्ब के बाद है तो एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, बट है क्या ये? नाउन फ्रेज। ये नाउन है और ये बन गया पूरा फ्रेज। आप देखिए इसमें फाइनाइट फॉर्म नहीं है, और देखिए कहाँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरह जिसमें वर्ब और सॉरी फाइनाइट वर्ब और सब्जेक्ट होगा तो क्लोज बन जाएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्रेज की। और फ्रेज में आप देखिए ना कोई फाइनाइट वर्ब है और ना ही आपके कोई सब्जेक्ट है, क्लियर। तो ये क्या हो गया? फ्रेज। लेकिन कौन सा? नाउन फ्रेज, बिकॉज एल्बम इज अ नाउन। नेक्स्ट वन इज द लॉर्ड डिमांडेड अ फेयर ट्रायल। ट्रायल बट कैसा? फेयर, एकदम साफ तबेदा होना चाहिए। तो फेयर ट्रायल, ट्रायल यहाँ पे हेड वर्ड है, इसको कौन मॉडिफाई कर रहा है? अ फेयर, ठीक है। तो ये इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये हो गया आपके नाउन फ्रेज। और किसके बाद में आ रहे हैं? डिमांडेड, जो कि वर्ब है, तो ये हो गया एज एन ऑब्जेक्ट। वर्ब से पहले आया सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के बाद में आया तो ऑब्जेक्ट के रूप में। बार बार बता रही हूँ आपको, आई बॉट अ लॉफ ऑफ ब्रेड फॉर डिनर। आई बॉट ब्रेड, ब्रेड सिंपल भी आ सकती है, अकेला भी आ सकता है, लेकिन इसने एक पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया कि केवल टुकड़ा, अ लॉफ ऑफ ब्रेड। तो इस तरह से इस वर्ड ने इसको मॉडिफाई किया, अ लॉफ ऑफ ने किसको मॉडिफाई किया? ब्रेड को। या हेड वर्ड क्या है? ब्रेड। जिसके बारे में बात की जा रही है वही हेड वर्ड होता है। और वैसे भी मुझे पता है इतने तो आप अंडरस्टूड हो कि जो फ्रेज है उसमें से पहचान जाओगे कि हेड वर्ड कौन सा है, किस वर्ड के बारे में बात की जा रही है। तो ये किसके बारे में बात की जा रही है? ब्रेड के बारे में।
इसने इसको मॉडिफाई किया तो आई लव ऑफ डैड क्या बन गया पूरा नाउन फ्रेज। तो आई बॉट, चूंकि ये बॉट बाय की सेकंड को व्हाट डिड यू बाय, ठीक है। तो आई बॉट, तो बॉट यहां किसकी सेकंड फॉर्म है, बाय की। तो बॉट क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद आ रहा है इसलिए क्या आ गया ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप भूल गए हो तो, क्योंकि भूलते ज्यादा जल्दी है ना, कि नाउन फ्रेज का पता लगाने के लिए आप दो शब्दों से क्वेश्चन कीजिए हमेशा, या तो व्हाट या हु, इन दोनों का रिप्लाई मिल जाए तो समझ जाइए वो नाउन फ्रेज है। बाय द दो सोर्सेज आर वेरी एक्सपेंसिव, व्हाट एक्सपेंसिव, व्हाट आर एक्सपेंसिव, दो सोर्सेज, व्हाट का आंसर मिल रहा है, व्हाट डिड ग्रैंडमदर फाइंड द ऑल फैमिली एल्बम, ठीक है। तो इस तरह से इनका आंसर मिल रहा है, द लॉयर डिमांडेड व्हाट अ फेयर डर, I bought what this is। तो इस तरह से what या who से question करने पर जो answer मिले तो वो होता है noun phrase। Clear? Now next is the white snow covered the field। What did cover the field? The white snow। अब यह head word होता है, एक तापर कौन सा है? जी, ये तो आपके article हो गया, the तो white क्या हो गया आपका adjective, ठीक है? Snow क्या हो गया यहाँ पर? Noun। तो ये हो गया आपके हेड वर्ड, इसको ये डिस्क्राइब स्नो बट कैसी, एकदम प्योर व्हाइट, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो पूरा फ्रेज बन गया द व्हाइट स्नो। अब सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में आप ही बताइए फटाफट, यस कवर्ड क्या हो गया यहाँ पर, वर्ब, वर्ब से पहले आ रहा है तो ये क्या एज अ सब्जेक्ट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज आई होप टू विन द फर्स्ट प्राइज, अब देखिए इसमें भी क्लियर दिख रहा है, हेड वर्ड क्या है इसमें, प्राइज, कैसा प्राइज, फर्स्ट प्राइज, ठीक है। लेकिन टू विन द होप की, फॉर व्हाट, किसकी किसकी आशा करते हो तुम, फर्स्ट प्राइज जीतने की, है ना। तो ये होप का क्या हो गया ऑब्जेक्ट, होप क्या है वर्ब, वर्ब के बाद में आ रहा है टू विन द प्राइज, किस बात की आशा की, फर्स्ट प्राइज जीतने की। तो ये टू विन द फर्स्ट प्राइज ये पूरा क्या हो गया यहाँ पर नाउन फ्रेज हो गया, क्योंकि प्राइज को फर्स्ट, ये पूरा टू विन द फर्स्ट, ये पूरा पूरा प्राइस को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज आई ट्राइड टू सॉल्व द पजल, आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, किस लिए, इसको पजल को सॉल्व करने की, तो व्हाट, टू सॉल्व द पजल। अब देखिए आई ट्राइड टू सॉल्व द पजल, ट्राइड क्या है यहाँ पर, वर्ब है, लेकिन इससे पहले ये बात की बात, इसमें देखिए यहां पर हेडवर्ड कौन सा है, पजल, क्लियर, पजल यहाँ पर हेड वर्ड है और ये इसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन चूंकि ये वर्ब के बाद में है इसलिए ये क्या है यहाँ पर नाउन फ्रेज, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज द बॉय वांट्स टू गो होम, होम क्लियर दिख रहा है, हेड वर्ड है, होम क्लियर दिख रहा है, हेड वर्ड टू गो होम, क्या चाहता है, व्हाट डज द बॉय वांट, क्या चाहता है लड़का, टू गो होम, जाना चाहता है, ठीक है, टू गो होम। तो यहां पर आप देखिए टू गो होम, होम हेड वर्ड है और ये टू गो इसको मॉडिफाई कर रहा है, घर, क्या घर, घर जाना चाहता है, क्योंकि ये मेन वर्ड के बाद आ रही है इसलिए हो गया एन ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेज क्या होता है, किस तरह से ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, किस तरह से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिड यू एंजॉय रीडिंग द बुक, क्या बुक पढ़ना है आप एंजॉय करते थे, डिड पास्ट की बात है, तो व्हाट डिड यू एंजॉय रीडिंग द बुक, ये इसका रिप्लाई आ गया। अब आप देखिए एंजॉय क्या है, वही मेन वर्ड है, यहां इसके बाद बुक हेड वर्ड है, बुक क्या, बुक का क्या करना, पढ़ना, बुक पढ़ना, कोई कोई एंजॉय करता है, किसी की हैबिट होती है, किसी का शौक होता है, ठीक है, हॉबी होती है किसी की, तो यहां बुक को कौन मॉडिफाई कर रहा है, रीडिंग, रीडिंग द बुक। तो इस तरह से ये क्या हो गया पर नाउन फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट बिकॉज इट कम्स आफ्टर द मेन वर्ब। नाउ नेक्स्ट वन इज आई विल हेट टू डू सच अ थिंग, थिंग ऑब्जेक्ट सॉरी नाउन। अब देखिए क्या थिंग, क्या ऐसा काम करना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी, आई हेट, मैं इससे घृणा करूंगी, नफरत करूंगी ऐसा काम करने से, किस बात से नफरत करेंगी, ऐसा काम करने से। तो यहाँ थिंक क्या है, यहाँ पर नाउन है और ये इसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, दैट इज व्हाई इट्स नाउन फ्रेज, लेकिन चूंकि ये मेन वर्ब के बाद आया इसलिए एज एन ऑब्जेक्ट,
तो इस तरह से आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आया होगा कि इस तरह से हम नाउन फ्रेज को एज अ सब्जेक्ट और एज अ वर्ब क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर से बता रही हूँ, फ्रेज और क्लोज, हाँ भाई नाउन क्लोज भी था, नाउन फ्रेज भी है, देन व्हाट्स द डिफरेंस? तो डिफरेंस यही है, उसमें आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट और वर्ब, इसमें ऐसा कुछ ही नहीं मिलेगा, इसमें इस तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे। क्लियर? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। गाइस एक बात और बता दूं मैं कि जो ये हम फ्रेज कर रहे हैं नाउन फ्रेज, ये एज ए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी आता है, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी आता है। अब कुछ इसमें मिक्स है, वो कौन से प्रेपोजिशन, जो प्रेपोजिशन के बाद आते हैं ना, वो भी है। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन विद अ गन, विद अ गन, तो यहां पर हेड वर्ड कौन सा हो गया, गन। अब ये विद किसको डिस्क्राइब कर रहा है, गन को, तो यहां पर ये नाउन फ्रेज हो गया विद अ गन। देखिए ये नाउन हो गया, और चूंकि ये शब्द इसी से जुड़े हुए हैं, इसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसलिए ये हो गया के नाउन फ्रेज। दूसरा है द बॉय इन द ब्लू शर्ट, कौन सा, जो ब्लू शर्ट पे है, इन द प्रीपोजिशन आ गया, इन द ब्लू शर्ट, तो यहाँ पर मेन हेड वर्ड कौन सा आपका, शर्ट है कौन सा, जो ब्लू, ब्लू कलर का, ठीक है, इन द ब्लू शर्ट, तो ये आपका हो गया पूरा नाउन फ्रेज प्रीपोजिशनल, ठीक है। इसी तरह द हाउस ऑन द कॉर्नर, द हाउस ऑन द कॉर्नर, देखिए इनका पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा, ध्यान दीजिए, इसलिए क्लॉज नहीं, फ्रेज ही है, अ मैन विद अ गन, वो आदमी जिसके पास गन है क्या करे, क्या कर रहा है, वो इनकम्प्लीट है, पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। वो लड़का जो ब्लू शर्ट में है क्या है, वो ब्लू शर्ट तो बहुत सारे लड़के पहनते हैं, बट ये क्या बताना चाह रहा है उसके बारे में, वो मेरा फ्रेंड है, भाई है, दुश्मन है, क्या है वो, तो ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, सेंस तो दे रहा है बट इनकम्प्लीट, अधूरा है, तो ये क्या कहलाते हैं आपके फ्रेज, ठीक है। द हाउस ऑन द कॉर्नर, ऑन वापस प्रीपोजिशन आ गया, ऑन द कॉर्नर, यहाँ कॉर्नर, तो घर कौन सा, जो कॉर्नर पे है, तो कौन सा हो गया आपके नाउन फ्रेज। अगेन द लेडी स्टैंडिंग ओवर देयर इज माय मदर, अब लेडी कौन सी जो वहां खड़ी हुई है, यहाँ पर मेन हेडवर्ड कौन सा हो गया, लेडी नाउन है, लेकिन ये जो वर्ड है ये इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, स्टैंडिंग ओवर देयर, जो वहां खड़ी हुई है, ठीक है, तो ये यहां से यहां तक क्या हो गया आपका फ्रेज, नाउन फ्रेज। इसी तरह ऑल द चिल्ड्रन अराउंड द टेबल हैव फिनिश्ड ईटिंग, अब देखिए अंडरलाइन वर्ड्स को देखिए ओनली, द चिल्ड्रन अराउंड द, ऑल द चिल्ड्रन अराउंड द टेबल, अब इसमें देखिए हेड वर्ड कौन सा है, चिल्ड्रन, ठीक है, ये और ये इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, आगे भी आ रहा है पीछे भी आ रहा है, इस तरह से भी आपके हेड वर्ड देखने को मिल सकता है, ऐसे नहीं आपको स्टार्टिंग या लास्ट में मिले, तो बच्चे कौन से, सारे बच्चे कौन से, सारे बच्चे जो टेबल के चारों ओर, तो ये आपके क्या हो गया हेड वर्ड, और ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज। इसी तरह से द फैमिली हु लिव्स हियर इज वेरी नाइस, रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे भी आते हैं आपके, तो फैमिली हेडवर्ड हो गया कौन सा, जो यहाँ रहती है, फैमिली क्या हो गई हेडवर्ड नाउन, और ये क्या हो गई जो आपके इसको मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स, जो कि किस रूप में रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ इससे ऐड किए गए इन शब्दों को, तो ये हो गया आपके पूरा नाउन फ्रेज। इसी तरह द बॉय टू द लेफ्ट ऑफ द गर्ल इज माय, तो क्या ये इतना होता है द बॉय टू द लेफ्ट, ठीक है, तो यहाँ पर हेड वर्ड कौन सा हो गया बॉय, और इसने इसको डिस्क्राइब कर कौन सा लड़का जो लेफ्ट में है, तो ये पूरा क्या हो गया आपके नाउन फ्रेज। व्हाट इन दैट लार्ज रेड बॉक्स, इन प्रीपोजिशन, दैट लार्ज रेड बॉक्स, मेन हेड वर्ड बॉक्स, कौन सा, रेड कलर का, कैसा, जो बहुत बड़ा है उसमें, ठीक है, तो यहां पर ये हो गया नाउन, और ये पूरा हो गया यहां से अब तक नाउन फ्रेज।
तो इस तरह से गाइस हमने देखा कि जो नाउन फ्रेज है वो भी कितने तरह से होता है, सब्जेक्ट के रूप में होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, प्रपोजिशन के रूप में होता है। तो आज हमने सीखे नाउन फ्रेज। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर के आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। राधे।